मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के लोकल ट्रेन के यात्रियों को हो रही परेशानियों को लेकर पिछले कई दिनों से एनसीपी पार्टी के कलवा मुंब्रा विधायक जितेंद्र आव्हाड आक्रामक हैं और अब मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। एनसीपी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष बबलू शेमना ने बताया है कि मुंब्रा से कई सेमी फास्ट लोकल ट्रेन जो कैंसिल हुई है उन्हें दोबारा चालू करने की मांग है और साथ ही कई धीमी ट्रेनें भी कैंसिल की गई हैं, उन्हें भी चालू किया जाना चाहिए ताकि कलवा मुंब्रा के जो लोकल ट्रेन के यात्री हैं वो लटक कर उन्हें न जाना पड़े और उनकी जान को खतरा न हो। अन्य मांगों को लेकर एम गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग हस्ताक्षर भी कर रहे हैं। बबलू सेमना ने बताया है कि जितने भी हस्ताक्षर होंगे DRM से मुलाकात करके उन्हें ये सौंपा जाएगा। ये सुबह के वक्त जो सेमी फास्ट जितनी ट्रेनें थी सुबह लेके शाम तक ये 22 ट्रेनें सेमी फास्ट मुंब्रा और कलवा से होके जाती थी उसको कैंसिल किया गया है। इसके वजह से रेलवे पे जो प्लेटफॉर्म पे सुबह के वक्त की जो गर्दी रहती है जो पीक आवर रहता था उसमें लोगों को दिक्कत होने लगी है, प्लेटफॉर्म पे रश होने लगी है। इसके हमारे नौजवान लड़के उस पर लटक के दरवाजे पे लटक विटक के जाने की वजह से बहुत सारे बच्चों की या तकरीबन ये 3 महीने में 170 लोगों की डेथ हो चुकी है कलवा मुंब्रा से। ये बड़ी बड़ी शौक वाली बात है। इसके लिए सिग्नेचर अभियान रखा गया है कि हमारे एक्सीलेटर का काम है, हमारे लिफ्ट का काम है। हालांकि इन्हें हमारे नेता हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र साहब को इन्होंने आश्वासन दिए कि हमने नवंबर या दिसंबर तक ये काम पूरा किए, मगर काम बहुत स्लो तरीके से हो रहा है। एक कैसा काम फास्ट हुए इसलिए सिग्नेचर अभियान रखा गया है। और ये हमारी सेमी फास्ट जो सुबह की हमारे ऐसी ट्रेन से हमारा विरोध नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि ऐसी ट्रेन बंद की जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सुबह के वक्त की जो सेमी फास्ट ट्रेनें जो कैंसिल की गई है उसको फिर से चालू की जाए, रेलवे लोगों को दिक्कत न हो। हम ऐसी ट्रेन के विरोध में नहीं है, ऐसी ट्रेन हम ऐसी ट्रेन चालू की है, हम उसको विरोध नहीं करते, मगर हमारी सुबह की सेमी फास्ट ट्रेनें बंद करके ऐसी ट्रेन बस चालू करिए। हमारी ऐसी ट्रेन ऐसी कंटिन्यू हो रहना चाहिए, अब ऐसी ट्रेन चालू की हर चीज का वक्त आता है। अभी लोगों को ऐसी ट्रेन की मांग है, हम उसको हम उसका विरोध नहीं करते। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के मार्गदर्शन में यहाँ पे सिग्नेचर अभियान रखा गया है। ये अभियान इसलिए है कि जो सुबह के वक्त रश रहता है, जो गाड़ियां सेमी फास्ट गाड़ियां वगैरह जो रद्द की गई है उसके जो रेलवे प्रशासन अपना मनमानी कारोबार कर रही है उसके खिलाफ ही हस्ताक्षर अभियान रखा गया। जो मुंब्रा स्टेशन आप देख रहे हैं कि नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म से मेल गाड़ियां जा रही है, वो मेल गाड़ियां जाने की वजह से जो सुबह की जो ट्रेन है वो रद्द की जाती है। बहुत सी गाड़ियां सुबह की, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे बहुत से लोग हमको बता रहे समझा रहे कि भाई देखो हमारे सुबह की 8:35 की एक ट्रेन थी, 8:30 की एक ट्रेन थी, ये सब ट्रेन रद्द की गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से फिर मेल गाड़ियां जा रही है। तो ये प्लेटफॉर्म आपने हमारी मुंब्रा वासियों की सेवा मतलब दिक्कत कम करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है कि दिक्कत बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया? हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब DRM साहब से भी मिले, एक्सीलेटर का काम पास करने के लिए कहा, लिफ्ट का काम पास करने के लिए कहा, पर उनके उनका मनमानी जो उनकी चल रही है कि वो किसी से मतलब उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको बस अपनी सैलरी और अपने मनमानी से मतलब है। तो इसके सब खिलाफ हम लोग ये सिग्नेचर अभियान आव्हाड साहब के नेतृत्व में रखे कि हमारे मुंब्रा और कलवा के लोगों को कहीं ना कहीं रेल से जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं दूर हो, इसके लिए ये अभियान रखा गया।